क्या ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, क्या ये सब बंद होने वाले हैं, या फिर कौन सी गाइडलाइंस है जिसके चलते ये सब बातें हो रही हैं और अब ट्विटर पर लोग हैशटैग बीजेपी फियर सोशल मीडिया ये है वो ट्रेंड करवा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले एक राहत की सांस ले लो, ये जो चीजें हैं ट्विटर और फेसबुक और फेसबुक से रिलेटेड इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये सब चीजें बंद नहीं होने वाली हैं। कुछ एक पावर जो है वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दे रखी होती है, वो पावर शायद इनसे छीन जाए। वो कौन सी पावर है उसके लिए तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो कहानी की शुरुआत होती है 25 फरवरी 2021 से, जब भारत सरकार ने सोशल मीडिया के लिए कुछ रूल निकाले थे जिनका नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ये गाइडलाइंस निकालने के बाद भारत सरकार ने इन सोशल मीडिया, इन सोशल प्लेटफॉर्म को 3 महीने का वक्त दिया था कि आप लोग जो है वो इन गाइडलाइंस, इन रूल्स को, इन नियम को फॉलो कर लीजिए। 3 महीने आपको देते हैं, अगर आप लोगों ने इनको फॉलो नहीं किया तो भारत सरकार जो है वो कुछ कदम उठा सकती है और उनका परिणाम आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है। ये बात भारत सरकार ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बोली थी। सोशल मीडिया क्या होगा अगर उन्होंने इन गाइडलाइंस, इन नियम को अगर नहीं माना, तो इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आप लोगों को टर्म्स जाननी जरूरी है, जैसे कि वो गाइडलाइंस कौन सी है और जो दूसरी बात है वो इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस। इन सब चीजों को एक बार समझना जरूरी है ताकि आप लोग जो ये विषय जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से समझ पाए। 25 फरवरी को ट्विटर पर ही रविशंकर प्रसाद जी ने, जो मंत्री है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उनके द्वारा सोशल मीडिया जो है वो हैंडल किया जाता है, मतलब सोशल मीडिया को यही संभालते हैं, और उन्होंने 25 फरवरी को ट्विटर पर 3 प्लेटफॉर्म को नियंत्रण करने के लिए कुछ नियम वहां पर बताए थे। वो 3 प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल न्यूज हो गया और ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया। डिजिटल न्यूज और ओटीटी प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जो प्रकाश जावड़ेकर के अंडर में आते हैं, वो वहां पर हैं। हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सोशल मीडिया जो आते हैं रविशंकर प्रसाद जी के अंडर में। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको एक छोटा सा वर्ड जो है, छोटा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटरमीडियरी, वो शब्द जानना जरूरी है। आज जब आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, अपने पोस्ट वहां पर शेयर करते हैं, कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं, मतलब कि जो गंदी चीजों को वहां पर बहुत शेयर करना पसंद करते हैं, या फिर किसी की मोफ्ड इमेज, मतलब इमेज को एडिट करके किसी और के फेस पर लगाकर वो बहुत ज्यादा वहां पर ट्रेंड करवा देते हैं, वायरल करवा देते हैं और पूरे सोशल मीडिया पर वो वहां पर घूमती रहती है। तो इन प्लेटफॉर्म का कहना है कि भाई आप जो मर्जी यहां पर शेयर कर लीजिए, हम आपको नहीं रोकने वाले हैं। यहाँ कुछ एक नियम है, वो इनके टर्म एंड कंडीशन है, उनसे हटकर अलग बात कर रहा हूं। कुछ भी अपने जो है लोग जो यहाँ पर गाली, कुछ भी अपशब्द जो यहाँ पर बोल देते हैं, कुछ अलग तरीके के पोस्ट यहाँ पर शेयर कर देते हैं, किसी की एडिट की हुई फोटो यहाँ पर वो शेयर कर देते हैं, तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये किसी को भी रोकते नहीं है। ये कहते हैं कि हम तो एक इंटरमीडिएरी पाथ प्रोवाइड करते हैं, आप अपनी सोच जो है वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और जो भी ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर घटिया घटिया पोस्ट शेयर करते हैं, किसी की मोफ्ड इमेज, किसी की एडिट की हुई इमेज यहाँ पर शेयर करते हैं, तो ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। वो तो साफ कहते हैं हम इनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते। और जो ये जिम्मेदारी ना लेने वाली जो पावर है, वो भारत सरकार ने इनको सेक्शन 79 के अकॉर्डिंग इनको दे रखी है। ये सेक्शन 79 क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूं कि ये जो बात मैंने भी बोली है कि भई ये कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इसको थोड़ा सा समझना आपको जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी मोफ्ड इमेज, कोई एडिट की हुई इमेज, या फिर किसी के व्यक्ति को ट्रोल कर रखा है वहां पर, बहुत ज्यादा उसको तंग कर रखा है, तो यहां पर ये किसी की जिम्मेदारी नहीं लेते। अगर आपको किसी के ऊपर केस करना है, तो ये नहीं कि आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर केस कर देंगे कि भई इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं केस कर रहा हूं, अगर फेसबुक ने यहां पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट शेयर कर रखी किसी ने, तो हम फेसबुक के ऊपर कोई भी केस दायर नहीं कर सकते, लेकिन हम उस व्यक्ति के खिलाफ केस दायर कर सकते हैं जिन्होंने जो है वो घटिया, जो गलत पोस्ट है वहां पर शेयर की है। फिर भारत सरकार ने इनसे कहा कि ये जो आपके ऊपर जो पावर मिली हुई है कि आपके ऊपर केस नहीं होगा, उस व्यक्ति के ऊपर केस होगा जिसने वो पोस्ट शेयर किया, अगर आप ये पावर चाहते हो कि फ्यूचर में आपके साथ ये पावर बनी रहे, तो आपको हमारी हेल्प करनी होगी। वैसे अगर एक एंगल से देखा जाए तो ये बहुत सही भी है कि कोई व्यक्ति जिसकी कोई इमेज जो है वो पोस्ट करके उस पर सोशल मीडिया के ऊपर वो चल रही है, अब उस व्यक्ति को यही नहीं पता चलेगा कि ये किसने इसको वायरल किया है, किसको इसको ट्रेंड में लेके आए, किसने इसे शेयर किया है, उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो भारत सरकार ने कहा कि आपको ये काम करना होगा, ऐसी गाइडलाइंस लगानी होगी यहां पर कि उस व्यक्ति को ये पता चल पाए कि उसकी जो इमेज है वो फर्स्ट ओरिजिनेटर कहां से हुई है, मतलब फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, किसने उसे सबसे पहले जो है वो शेयर किया है, ताकि वो इंसान जो है वो जाकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। वैसे कुछ लोग इन गाइडलाइन
गाइडलाइन से सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग इन गाइडलाइन से सहमत नहीं भी हो सकते हैं, वो आप खुद डिसाइड कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को वो गाइडलाइंस जो है वो बता देता हूं। जो पहले जो रूल है, पहला जो गाइडलाइन है वो ये कि एक ऐसा व्यक्ति आपको अपनी कंपनी में, ये जो कंपनीज हैं फेसबुक इंस्टा या फिर ट्विटर, इनको अपनी कंपनी में ऐसा अधिकारी, ऐसा व्यक्ति बैठाना होगा जो सरकार द्वारा बताए गए रूल को फॉलो करवाए। जैसे कंपनी के अंदर सीईओ सीएफओ या फिर चीफ इंजीनियर होता है, ऐसे ही एक ऐसा व्यक्ति आप लोगों को अपनी कंपनी के अंदर बैठाना होगा जो आपकी तरफ से सरकार से बात कर सके और सरकार उनको कहे कि हमने ये रूल बनाए हैं और जाकर आप अपनी कंपनी में ये रूल को फॉलो करवाइए। और जो सेकंड रूल है उसके अंदर देखो, हर व्यक्ति जो है वो सीईओ के पास जाके शिकायत नहीं कर सकता, तो इसलिए आपको एक काम करना होगा कि आपको एक नोडल ऑफिसर, एक रीजनल ऑफिस बनाने होंगे, क्षेत्रीय ऑफिस बनाने होंगे, वहां पर एक नोडल ऑफिसर बिठाना होगा जहां पर जाके व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सके। जैसे हरियाणा का एक नोडल ऑफिसर हो गया या फिर दिल्ली का एक नोडल ऑफिसर हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, तो ऐसे जो रीजनल जो है क्षेत्रीय जो आधार पर आप नोडल ऑफिसर वहां पर वो तैनात करिए ताकि व्यक्ति जाए और अपनी जाकर वहां पर वो शिकायत कर सके। जो तीसरा जो रूल है उसके अंदर अकाउंटिंग कहा गया है, ऐसा व्यक्ति नियुक्त करिए जो एनी टाइम उसके पास जब भी शिकायत जाए तो वहां पर वो शिकायत जो उसने उस शिकायत पे क्या एक्शन लिया है वो वहां पर वो बता सके। और इन तीन पर्सन को आप नियुक्त करिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने इनको करने के लिए कहा कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा फर्स्ट ओरिजिनेटर। अब सोशल मीडिया ऐप ने, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन्होंने कहा हम क्यों आइडेंटिफाई करके बताएं कि ये जो फर्स्ट ओरिजिनेटर ये है, तो सरकार ने कहा अगर हमारी अथॉरिटी को लगा कि ये जो चीज है वो एंटी नेशनल है तो आप लोगों को वो आइडेंटिफाई करके बताना पड़ेगा। दूसरे जो रूल इनको कहा गया कि आपको जो ये शिकायत मिली है उनका जो निपटारा जो है 15 दिन के अंदर करना होगा, अगर आप वो नहीं कर पाए तब सरकार जो है आपके ऊपर सख्त कदम उठाएगी। तीसरी जो बात बोली है कि आपने जितनी भी रिपोर्ट जो है, आप रिपोर्ट के मतलब आपने जितनी भी शिकायतें 1 महीने के अंदर निपटाई हैं उनकी एक रिपोर्ट हर महीने आपको हमें प्रोवाइड करनी होगी, बतानी होगी। अब मैं आप लोगों को एक आंकड़ा दिखाता हूं जिसके अंदर आप लोग ये देख पाओगे कि किस सोशल मीडिया के ऊपर कितने ज्यादा यूजर्स हैं। और जिस तरीके से आज की डेट में सोशल मीडिया बेलगाम हो रहा है, आज जहां पर कोई ठगी का शिकार हो जाता है, किसी की इमेज मोफ्ट या मोफ्ट इमेज जो है वो सोशल मीडिया पर घूम रही है, किसी व्यक्ति को ट्रोल किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ भी वहां पर बातें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाम लगाई जाए। तो ये सब चीजें करने के लिए भारत सरकार ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 महीने का वक्त दिया था, वो 3 महीने खत्म हो गए। अब 3 महीने खत्म होने के बाद जब इनसे जवाब मांगा गया, सबसे पहले ट्विटर से पूछा कि आपने क्या किया, 3 ऑफिसर नियुक्त किए क्या नहीं किए, तो ट्विटर का यही जवाब था कि हमारे पास ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग हम ये चेक करते हैं और हमें लगता है कि ये जो चीज है किसी व्यक्ति ने अगर पोस्ट की है शेयर की है अगर वो खराब है गलत है संदेहात्मक है तो हम उसके ऊपर एक टैग लगा देते हैं, मैनिपुलेटेड टैग वहां पर हम लगा देते हैं। तो इसको लेकर सरकार ने इनसे पूछा कि आप ये जो मैनिपुलेटेड टैग यहां पर लगा रहे हो तो किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हो, कौन सा प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो। तो यहां पर बहुत से मीडिया हाउसेज ने इस बात के ऊपर भी सवाल उठाए। तो ये ऐसा नहीं है कि ट्विटर कहे कि मैं अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं तो भारत सरकार इनको कहेगी नहीं कि आप अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं होता कि अगर इन्होंने कहा है, भारत सरकार ने कहा है कि हम रूल लेके आए जिसको सब फॉलो कर रहे हैं तो वो आपको भी फॉलो करना होगा, आपको अलग से नहीं आए इस देश के अंदर। और जब फेसबुक से पूछा गया कि फेसबुक ने अब तक इनके ऊपर 3 महीने दिए थे तो उन्होंने 3 व्यक्ति नियुक्त किए या नहीं किए, तो फेसबुक तो भाई क्या करे, वो तो जा नहीं सकता क्योंकि उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है रिलायंस के अंदर। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है वो 3 महीने का जो वक्त है वो बहुत कम है, हमें एटलीस्ट 6 महीने का वक्त दे दीजिए। जो कंपनी हर महीने पता नहीं कितने इंप्लॉय को वो हायर करती है उनके लिए 3 व्यक्ति हायर करना, मतलब 3 व्यक्ति को नियुक्त करना, वो इनके लिए इजी टास्क नहीं है, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, उसके लिए 6 महीने लगा रहे। अब जो सबसे बड़ा विवाद इसके ऊपर उठ रहा है, जो पोजीशन जो है वो इस रूल का विरोध कर रही है, वो ये है कि यहां पर जो एक शब्द यूज हुआ है एंटी नेशनल, देखो हमारे देश में एंटी नेशनल की परिभाषा स्पष्ट रूप से नहीं है। आप किसको एंटी नेशनल कहेंगे? अपोजिशन का ये कहना है कि आप अगर किसी व्यक्ति ने जो सरकार के विरुद्ध बोल रहा है उसने कोई पोस्ट शेयर कर दिया है तो आप उस सोशल मीडिया से ये कह करके ये जो जो पोस्ट है वो एंटी नेशनल है आप उनसे फर्स्ट ओरिजिनेटर पता कर लेंगे और आप उस व्यक्ति तक पहुंच के उसकी आवाज दबा देंगे, इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा, आपके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाएगा। तो ये जो एंटी नेशनल जो शब्द है इसके चलते ये कहा जा रहा है कि सरकार जो वो अपने फायदे के लिए इन रूल्स को इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर थोप रही है। अब मैं बता देता हूं कि अगर ये गाइडलाइंस उन्होंने फॉलो नहीं की तो इनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। तो एक एक्ट है हमारे देश के अंदर, एक्ट
2000, आईटी एक्ट 2000, जिसके तहत एक सेक्शन आता है 79, जिसमें इनको जो ये जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनको ये पावर, इनको ये इम्यूनिटी दी जाती है कि आपके ऊपर अगर कोई व्यक्ति आपके प्लेटफॉर्म पर आकर कोई व्यक्ति कोई शेयर करता है, कोई बात शेयर करता है, कोई पोस्ट शेयर करता है, तो आपके ऊपर केस नहीं होगा, उस व्यक्ति के ऊपर केस होगा कुछ हद तक, मतलब कुछ चीजों को छोड़कर बाकी के चीजों के ऊपर आपके ऊपर केस नहीं किया जाएगा। तो ये जो सेक्शन 79 है, सरकार ने कहा है कि अगर आप लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो हम ये सेक्शन 79 आपसे वापस ले लेंगे, और अब जब भी अगर कोई पोस्ट आपके ऊपर शेयर किया, आपकी प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। और अब कोई व्यक्ति जाकर आपके खिलाफ कोई केस दायर करते हैं तो अब क्या करना होगा कि फेसबुक ये ट्विटर है अपना एक व्यक्ति अदालत कोर्ट के अंदर बिठा के रखेंगे, एक वकील बिठा के रखेंगे ताकि इनकी तरफ से वो केस लड़ पाए। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कोई पोस्ट शेयर कर दिया जो बहुत खराब था, तो उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति मतलब कि जिसने पोस्ट शेयर किया है उसके खिलाफ कार्रवाई ना होकर अब प्लेटफॉर्म के ऊपर कार्रवाई होगी कि भाई आपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसी घटिया और आपत्तिजनक पोस्ट शेयर होने ही कैसे दी। तो ये सेक्शन 79 की जो पावर है वो इनसे छीनी जा सकती है, ये बात हो रही है, बंद होने की बात नहीं हो रही। वो अलग बात है कि अपना बोरिया बिस्तर चक्कर ये जा सकते हैं, वैसे वो होने वाला नहीं है, फेसबुक तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये पूरा का पूरा मसला था जिसके खिलाफ अब भारत सरकार के खिलाफ लोग बोल रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया से डर रहे हैं, इनके ऊपर इनकी सच्चाई आ रही है, जो भी है ये आप अपनी सोच जो है वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और समझ में आई तो प्लीज बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।